नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और तेजस वोरा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वोरा क्या है? अंग्रेजी के चार अक्षर ए यू आर ए, इन चार अक्षरों से बना यह शब्द। अगर इसे हम जान ले समझ ले तो हम हमारी बहुत सारी समस्याओं के रूट को समझ सकते हैं। ओरा, जिसे हम आभा मंडल भी कहते हैं, ओरा को जानने वाले लोग अपने अतीत और भविष्य की बहुत सारी समस्याओं को गहराई से समझते हैं, इसलिए ओरा को समझना यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले समय में ओरा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च होने वाले हैं। ओरा को जानने वाले लोग, उसके ऊपर कार्य करने वाले लोग और इसके ऊपर रिसर्च करने वाले लोगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, यानी इस धरती के ऊपर मौजूद हर एक पदार्थ का अपना एक ऊर्जा क्षेत्र रहता है, जिसमें हम इंसानों का यह शरीर भी शामिल है। हम आम इंसान हमारी इन आँखों से इस ऊर्जा क्षेत्र को देख नहीं पाते हैं, लेकिन इसका अस्तित्व हमेशा मौजूद रहता है। चाहे कोई भी चीज़ वो जीवित हो या निर्जीव हो, उसका अपना एक ऊर्जा क्षेत्र रहता है। अगर आप अभी जहाँ पे बैठे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ है तो उसका भी अपना एक ओरा रहता है। इस ओरा को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इनर ओरा, इनर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या आभा मंडल। हमारा जो शरीर है, इसके आसपास एक जो ओरा रहता है उसे हम ह्यूमन एनर्जी फील्ड के नाम से भी जानते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं को आधार बना करके इस ओरा के ऊपर कार्य हो रहा है, लेकिन अभी तक भौतिक विज्ञान ने इसको मान्यता नहीं दी है। रशिया के साइंटिस्ट डॉक्टर क्रिलियन, जिन्होंने इस ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर बहुत सारा कार्य किया हुआ है, उन्होंने पेड़ और पौधों के पत्ते, हमारी इस फिंगर टिप, स्क्रू ड्राइवर, की और कॉइन, ऐसी अलग अलग चीज़ों के ऊर्जा क्षेत्र के फोटोग्राफ्स निकाले और हमारे सामने रखे हैं, जो आपको इंटरनेट के ऊपर से मिल जाएंगे। अभी मार्केट में ओरा फोटोग्राफी के लिए ओरा कैमरा भी अवेलेबल है। विज्ञान इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर रहा है, लेकिन जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, जो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, उनके पास से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से हम जो विचार करते हैं, हमारी जो भावनात्मक स्थिति है, हमारा जो एटीट्यूड है, उसका इफेक्ट हमारी ओरा के अंदर रहता है। अगर हमारे विचार, भावनात्मक स्थिति और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमारी ओरा बहुत ही अच्छी रहती है, और हमारे विचार और भावनात्मक स्थिति और एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो हमारी ओरा में डार्कनेस आ जाती है। हमारी ओरा में बहुत सारे कलर मौजूद रहते हैं, जो हमारे अंदर जो चक्र रहते हैं उसके हिसाब से होता है। जो लोग ओरा को जानते हैं वो इस कलर के, हमारे ओरा के इस कलर को जान के हमारी जो आंतरिक ऊर्जा की स्थिति है उसका पता लगा सकते हैं। अगर हम रेगुलर ओरा के ऊपर काम करें तो हम भी ओरा को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर अंत में आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं मेरे अनुभव से, मेरी प्रैक्टिस से, जो मैं समझ पाया हूँ, अगर उसकी भाषा में आपको कहूँ कि ओरा क्या है, तो ओरा कुछ नहीं, सिर्फ हमारे आत्मा का एक प्रकाश है। या ये समझ लो कि हमारे अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है उसका यह प्रकाश है। अगर हम इसके ऊपर कार्य करना चाहते हैं तो हमें रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि नियमित अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारी ओरा बहुत ही स्वच्छ और क्लीन रहती है। हम जब इस ओरा की बात कर रहे हैं, हमारा जो आत्मा के प्रकाश की बात कर रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा के प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो जब हम विचार करते हैं, हमारी जो भावनात्मक स्थिति रहती है, हमारा जो एटीट्यूड रहता है, उसकी जो अशुद्धि है, उसकी वजह से इस ओरा में डार्कनेस आती है। अगर हमारे विचार, भावनात्मक स्थिति और एटीट्यूड अच्छा है तो ये हमारी ओरा को कलरफुल बनाते हैं, यानी कि ओरा की एक अच्छी स्थिति को बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब आपको आपके आसपास की ऊर्जा अच्छी महसूस नहीं होती है, तो आपको रेगुलर मेडिटेशन करके इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। अगर हम नियमित मेडिटेशन करेंगे तो हम अपनी ओरा की इस ऊर्जा को सहजता से अनुभव कर पाएंगे और इसके ऊपर कार्य कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ओरा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जानना है, इसके ऊपर कार्य करना है, तो हमारा वन डे का एक वर्कशॉप रहता है डेल्टा सर्कल का, आप उसमें आ सकते हैं।
और अगर आप उसमें नहीं आ सकते हो तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम नया वीडियो बनाएंगे और आपको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर रेगुलर आपको हमारा वीडियो मिलता रहे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।